हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेलोसिटी एजुकेशन। मैं आलोक यादव और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पहले हमने इस वीडियो मतलब कि इस लेक्चर में है ना, इससे पहले के वाले चैप्टर या लेक्चर में हमने क्या देखा है ना, हमने देखा था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है ना, कि जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हैं वो क्या थे, उससे रिलेटेड इंट्रो वीडियो भी था हमारा, जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, है ना, हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जो इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्या था उसके बारे में हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, है ना, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा था। ठीक है, जो क्या हो रहा था, जो प्लाज्मिड होता था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक कोई अलग सेगमेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है, आज हम उसके देखने वाले हैं टूल्स, है ना। टूल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑपरेटर्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करते होंगे। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते होंगे, हेल्प करते होंगे। ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में जो चीज़ें यूज होंगी हम उसको क्या बोल रहे हैं, टूल्स। ओके, टूल्स बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकरण वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें टूल्स होंगे या ऑपरेटर्स जो यूजफुल होंगे, ठीक है, उस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए। ओके, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिस्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। ओके, देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओनली हो सकती है अगर हम उससे रिलेटेड, बहुत सिंपल सा अगर मैं बोलूँगा, एक एग्जांपल दूंगा, है ना, है ना। वैसे तो मुझे नॉर्मल से एग्जांपल ही याद आ रहा है, बट उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सपोज़ अगर एक मैकेनिक को एक कार का इंजन ठीक करना है तो उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर जो इंजन्स में जो टूल्स लगते होंगे, जो की टूल्स जो उसको चाहिए होंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक वो मैकेनिक उस कार के इंजन को ठीक नहीं कर सकता, है ना। जस्ट लाइक अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी भी पंचर हो जाती है और आप पंचर दुकान में जाते हो, है ना, और पंचर दुकान वाला आपकी गाड़ी का पंचर तभी बना पाएगा जब उसके पास पंचर बनाने के लिए टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, वो प्रेजेंट होंगे। अगर एब्सेंट, अगर उसमें से एक भी टूल्स एब्सेंट होता है तो मे बी आपका पंचर ना बने, है ना, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मे बी इसमें से कुछ चीज़ें हम पहले भी देख के आए हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ें हम पहले भी देखे हैं। ठीक है, तो जो टूल्स हैं वो हम पहले भी यहाँ पे, ये जो नाम अभी आने वाले होंगे मे बी हम इससे पहले वाले सेशन में भी ले चुके होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी नो दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, है ना, जो डीएनए सेगमेंट होता है उसको क्या करता था, कट करने का काम करता, मतलब सीजरिंग जैसा कुछ इसका फंक्शन था, है ना। मतलब डीएनए के पीस को काटने के लिए हम किसका एंजाइम, किसका यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे अभी यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉलीमराइज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमराइज एंजाइम पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा था। ठीक, ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, है ना, ओके, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, है ना, जब डीएनए जब हो रहा था वहाँ पे, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था तो वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा था, पॉलीमरेज एंजाइम का। ओके, रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं लाइगेज, है ना, लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं, जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं या जो भी हम क्या कर रहे थे, एक फॉरेन डीएनए को जब हम ऐड कर रहे हैं तो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या किया, उसको कट किया। ठीक है, बट अगर हमको क्या करना है, उसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे हम, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, ओके, है ना, तो लाइगेज एंजाइम हम पहले भी देखे हैं। ठीक है, जो क्या करता है, एडिंग का काम करता है। ठीक है, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एक तरीके का बॉन्ड होते हैं, है ना, जो सेगमेंट्स को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप क्या देखते हो कि एक क्या होता है, है ना, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक सीजर लिया जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, कट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, एक तरीके का एंजाइम लिया जो क्या करता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको क्या करता है, पॉलीमरेज करता है, मतलब उसी की कॉपी को और क्या करता है, इनिशिएट करता है। नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए, जिस सेगमेंट को हमने कट किया है उस सेगमेंट को हमको क्या चाहिए, उसको बाइंड करना है, मतलब हमको उसको क्या कर देना है, स्टिच कर देना है। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं लाइगेज एंजाइम को मैं एक्सप्लेन करूं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हमको स्टिच कर देना है। तो लाइगेज जो एंजाइम होता है वो एक तरीके का बॉन्ड है जो उसको क्या करेगा, बाइंड करने का काम करेगा। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, है ना, ये हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया, उसको कट किया। अब लाइगेज एंजाइम अगर हम उसमें ऐड करेंगे, दैट मींस ये क्या करेगा, उस सेगमेंट्स को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर देंगे उनमें। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे। ठीक है, सेगमेंट्स को।
ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो है ना, ये क्या है, एक सेगमेंट्स है ना। अब इसमें ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो येलो येलो कलर का जो लाइन है, ठीक है, हमको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से हम यहाँ पे ये दो सेगमेंट्स को ऐड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये क्या है, दो सेगमेंट्स हैं, उसको हम किसकी हेल्प से ऐड कर रहे हैं, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइगेज एंजाइम को ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम को ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। मतलब सिंपल सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं या कीज या टूल्स हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक में इनका क्या रोल है कि ये क्या करते हैं, है ना, बाइंड करने का काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, वैक्टर्स, ठीक है। देखो वैक्टर सिंपल सा मतलब होता है, वैक्टर से आप क्या समझते हो कि एक तरीके का ये क्या होगा, एक मीडियम है जो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करता होगा, ठीक है, क्या करने का काम करता होगा, एक तरीके से ट्रांसफरिंग मीडिया है, ठीक है, मतलब मीडियम है ये, ठीक। मतलब अब देखो जो कॉम्बिनेंट डीएनए जो फॉर्म हुए हैं, अब उसको हमको क्या करना है, किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वैक्टर चाहिए होगा, जिसकी हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पर, है ना, इसको शो किया गया है, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस इन एक्सप्रेशन वैक्टर्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, वैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो एक ट्रेड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हम वैक्टर ले रहे हैं ये ऐसे ही आया, ये कहाँ से आया है ना, इसमें हमने क्या किया, प्लाज्मिड में से ऐड किया ना, जो ये सेम प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, वैक्टर्स, ठीक, ओके। देन लास्ट, उसके बाद क्या है, वैक्टर्स के बाद, आफ्टर वैक्टर्स क्या है, द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने क्या किया, डिफरेंट टूल्स की मदद से क्या किया, हेल्प से क्या किया, बना लिया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हमको क्या मिल गया, बट अब हमको क्या करना है, उस पर किसी न किसी चीज़ को तो अप्लाई करेंगे ना, तो हमको क्या चाहिए होगा, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा, ठीक है, क्या चाहिए होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा, जिसमें हम उस प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। बिकॉज हमको क्या, हमको उसको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, उसकी हेरिडिटी को हमको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ये क्या है, एक बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया ही यहाँ पे क्या है बेटा, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड्स ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, प्लाज्मिड हमको पता है कि क्या है, रिंगलेट डीएनए स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह जिसमें हम जिसको हम चेंज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, ठीक है। देन सेल रेप्लिकेशन होगा, है ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ओके। देन प्लाज्मिड क्या है, इंटीग्रेशन प्लाज्मिड, देखो अब ये यहाँ पे देखो ये क्या था, ये होस्ट है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए मटेरियल ये है, जेनेटिक मटेरियल ये है, और ये प्लाज्मिड मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। देन ये प्रोसेस क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा, मतलब इसमें क्या हुआ, इसका जो कैरेक्टर से या जेनेटिक ट्रेड से वो किसमें अटैच्ड होंगे, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म वाले जेनेटिक में, ठीक है। तब प्लाज्मिड इंटीग्रेशन होगा, या देन अगेन क्या होगा, अगर ये अभी देखो इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो ट्रेड्स हैं, ये इन दोनों के कंबाइनिंग ट्रेड्स होंगे, ठीक है, ट्रेड्स मतलब कि फिनोटाइप, ठीक है। अब अगेन अगर ये सेल क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ये होस्ट सेल अगर क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो मे बी ये जो पेरेंटल होस्ट थे, ठीक है, इससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बिकॉज इसमें क्या है, जो प्लाज्मिड डीएनए है या प्लाज्मिड इंटीग्रेशन थे, ये क्या हुआ, सब्स्ट्रेट हुआ, ऐड हुआ, ओके। इसके लिए हमको लास्ट टूल क्या चाहिए होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करेंगे, ओके ओके, है ना। देन आगे देखते हैं टूल्स, आप लोग को समझ में आ गया कितने टाइप्स के टूल्स थे, उसको याद रखेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, है ना, इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में इन टूल्स या कीज टूल्स का क्या रोल है, ओके, इसको समझते हैं, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन सीरा कोलाई वर आइसोलेटेड, है ना। 1963 में जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में, देखो सीरा कोलाई से, ठीक। One of these added methyl group to DNA, यानी DNA methylase, okay? ठीक है, ये क्या करते हैं, DNA में मतलब कि जो दो फॉर्म उसके आइसोलेट किए गए, ठीक है, उन दोनों का क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, ठीक। जस्ट बैक्टीरियल DNA इज मिथाइलेटेड, है ना, रिकोनाइजेशन
ना, रिकॉग्निशन साइट ठीक है, मिथाइलेटेड रहेगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बनेगा ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए है हमारे पास, ये क्या डीएनए स्ट्रैंड है ना, 5' to 3' एंड 3' to 5' ठीक है। अब देखो सबस्ट्रेट होगा, देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डज नॉट कट मिथाइलेटेड साइट, ओके। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे ठीक है, इस जगह को क्या कर रहे, कट नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे है ना, जो मिथाइलेटेड जो साइट्स होते हैं उससे मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा ठीक है, इफेक्ट नहीं होगा मेनली अगर बोला जाए तो ठीक है। वाइल द अदर कट द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन देखो इस सीराकुलाई में जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका सेगमेंट्स है ठीक है, इस सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लीवेज फ्रॉम सीराकुलाई एंड स्टिकी एंड्स जो मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के फॉर्म में ऐड करेंगे ठीक है। इसके जो स्टिकी एंड्स है उसको ऐड किया जाएगा, ऐड कैसे होगा, सेम तरीके का सेम प्रोसेस रहेगा उसका ठीक है। द लेटर एंजाइम आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखेंगे। इन द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वॉज इन सेकेंड हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल सिक्वेंस ठीक है, जो डिपेंड करता था मतलब एक स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल सिक्वेंस के लिए ही क्या कर रहा है, फंक्शन करेगा ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल सिक्वेंस का दैट मींस कि हम क्या देख रहे हैं, मेथिलेटेड डीएनए सिक्वेंस देख रहे हैं ठीक है, वो क्या हुआ एक स्पेसिफिक मतलब स्पेशल टाइप का डीएनए सिक्वेंस है ना, वो उसी में क्या करेगा, फंक्शन करेगा। एंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ 6 base pair ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये क्या है एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, सेकेंड मतलब कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो क्या करता है डीएनए सिक्वेंस को एक स्पेसिफिक पोजीशन से है ना क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पोजीशन से क्या करता है, कट करता है ठीक है। कहाँ से कर रहा है, 6 base pair वाले स्पेस से ठीक है ना, यहाँ से क्या करेगा, इसको कट करने का काम करेगा ठीक। This specific base sequence is known as the recognition sequence for and second. क्या है recognition sequence? Beside and second, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from 230 strain of bacteria, each of which recognizes a different recognition sequence. ठीक है? And now वी हैव मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ठीक है। अब हमारे पास क्या है 900 है ना, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ठीक है, जिसको हमने 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। एंड देन अब हमारे पास इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन सिक्वेंस वाले एंजाइम्स कट करने की जो कैपेबिलिटी है वो है ओके ओके है ना। देन अब हमारे पास क्या है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट मींस हम डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ठीक है। ये देखो कुछ यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं एंड सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कहाँ से ऑब्टेन है ठीक है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोक्रियाटिक सेल विच दे वर आइसोलेटेड ओके। एंड देखो ये जो एंजाइम्स हैं ठीक है, जो एंजाइम्स हैं जिनको आइसोलेट किया गया है, इनका जो नेम कैसे किया गया है, तो नेम फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस है ना, फर्स्ट लेटर फ्रॉम जीनस एंड सेकेंड लेटर उस प्रोक्रियाटिक स्पीसीज का है जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है ठीक है। इन एंजाइम्स का नेम कैसे है, कैसे किया गया है, फर्स्ट जीनस नेम, सेकेंड उस प्रोक्रियाटिक स्पीसीज का नाम जिससे वो आइसोलेट किए गए हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीरियाकुलाई है ना, इको आर आई कम्स फ्रॉम सीरियाकुलाई RY13। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देन देखो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, नेम आर बेस्ड ऑन द बैक्टीरिया इन विच दे आर आइसोलेटेड, फॉर एग्जाम्पल दैट इज सीरियाकुलाई RI, सीरिया जीनस, कुलाई इज स्पीसीज एंड RY इज स्ट्रेन ओके, स्ट्रेन 30, देन आई फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्डर ओके। तो हमने जो इसका नाम कैसे आया, इको आर आई कैसे आया, यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट जीनस नेम है ठीक है, जीनस नेम इज ई सीरिया एंड सी ओ है ना, सी ओ इज कोलाई है ना, कम्स फ्रॉम अ कोलाई ठीक है, जो कि स्पीसीज है। देन आर स्ट्रेन को शो करता है, देन आई फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्डर।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएज, है ना। बिकॉज आपने अभी तक जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे सब में क्या लग रहा है, एंजाइम। बिकॉज वो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे बिलोंग कर रहे हैं, एंजाइम्स के, अगर मतलब सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो किससे बिलोंग करता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेनली टू टाइप्स होते हैं, याद रखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस, एंड सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सो एंड एंडो ये जो है मेनली इनके फंक्शन के बेसिस पे इनके नाम किए गए, ठीक है। हमने क्या बोला, टू टाइप्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड क्या है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो नाम है उनके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन रखा गया, ठीक है। फर्स्ट लाइक एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, है ना, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्सो न्यूक्लियस है वो डीएनए स्ट्रैंड को कहां से टाइट करेंगे, सॉरी कट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को कहां से रिमूव करेंगे, है ना, एंड्स, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बोल रहे हैं एक डीएनए स्ट्रैंड है ना 5 एंड 5 एंड, ठीक है, तो किसी भी एक एंड से क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विदिन द डीएनए, है ना। ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पोजीशन में क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, है ना। दैट एक्सोन्यूक्लियस जो फंक्शन करेंगे आउटसाइड फ्रॉम द डीएनए चैन या डीएनए के एंड में करेंगे, एंड एंडोन्यूक्लियस जो होंगे वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में या स्पेसिफिक पोजीशंस पे क्या करेंगे, उसको कट करने का काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन ही है, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो एक्टिविटी को प्रैक्टिकली शो किया गया, ठीक है। जस्ट लाइक हम क्या बोल रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस इज एक्टिविटी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करे, कट करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस को कट करा, एक्सोन्यूक्लियस किसी भी एक एंड पे, ठीक है, किसी भी एक एंड पे, ये इधर भी हो सकता है या देन इधर भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रैंड के एक एंड को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक। इच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग The length of DNA sequence, ठीक है। जो restriction enzymes या endonuclease enzymes जो हैं, ठीक है, restriction endonuclease enzymes जो हैं function करते हैं first DNA के sequence के according, ना DNA का sequence जैसा रहेगा या length का sequence जैसा रहेगा उसके according क्या करेंगे, function करेंगे, मतलब समझ रहे हो, है ना। दैट मीन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लॉन्ग लेंथ वाला है और एक शॉर्ट लेंथ वाला है तो एक स्पेसिफिक पोजिशन पर क्या करेंगे, वो कट करेंगे, ठीक। Once it find its specific recognition sequence, it bind to the DNA and cut each of the two strand of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbones. Because and जो restriction enzyme का function हमने क्या बोला, DNA helix को cut करेंगे, है ना। ये भी पता चल गया कि क्या करेंगे, specific point से ही cut करेंगे, ठीक है। Specific point को क्या करेंगे, point से क्या करेंगे, DNA helix को कट करेंगे, ठीक है। वंस इट्स फाइंड्स मतलब ए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, अगर अपने एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस का अगर पता लग गया उनको, ठीक है, तो देन वो क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड होंगे एंड डीएनए सीक्वेंस या डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे दोनों स्ट्रैंड पर, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगे, कट करेंगे पर्टिकुलर फैशन पर। इच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज्ड अ स्पेसिफिक प्लेनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। क्या है पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फ्रॉम द सीक्वेंस सॉरी द सेम वर्ड दे व्हेन दे आर रीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे अभी, फॉर एग्जांपल मलयालम, ठीक है, है ना, एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, आप इसको इधर से भी रीड करोगे तो सेम आएगा, देन अगर मैं यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या है एम ए एल ए ए वाई ठीक है वाई
ALMA। देखो मैंने यहाँ से इसको इधर से टाइप करना स्टार्ट किया, इधर से भी टाइप करोगे तो सेम होगा, ठीक है। देन पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर लेटर्स होते हैं जिनको आप चाहे बैकवर्ड लिखो चाहे फॉरवर्ड लिखो, दोनों का जो डायरेक्शन है एंड जो इसकी पोजिशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। द पैलिंड्रोम्स इन DNA इज अ सिक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, ठीक है। पैलिंड्रोम्स क्या होंगे, जो DNA सिक्वेंस को जो बेस पेयर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, बेस पेयर होंगे। जस्ट लाइक अभी हमने जो देखा MALYA, ये किसको डिनोट करता है, बेस पेयर को, ठीक है। बेस पेयर को भी हम ऐसे ही लेटर्स में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, सॉरी पैलिंड्रोम्स जो है वो क्या करेंगे, जो बेस पेयर का जो सिक्वेंस है ना स्टैंड में, उनका जो ओरिएंटेशन है ना, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक तरफ से भी करोगे तो सेम होगा, दूसरे तरफ से भी करोगे तो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 5' में GAATC, देन 3-5' में देखो CTTAAG, है ना। देन अगर मैं यहाँ पे जी बोल रहा हूँ दैट मीन्स गॉनिन एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन, है ना, साइटोसिन थायमिन थायमिन एडिनिन एडिनिन गॉनिन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये DNA का स्ट्रैंड को शो करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, DNA के स्टैंड को शो कर रहा है ना, हेलिक्स को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। 5' to 3 and 3' to 5' ठीक है, ये क्या कर रहा है, DNA हेलिक्स को क्या कर, सीक्वेंस को शो कर रहा है। देन पैलिंड्रोम्स क्या है, ये लेटर ऑफ ग्रुप है ना, बेस पेयर्स के क्या है, ग्रुप्स हैं जिनको आप किसी भी रीडिंग करोगे सेम डायरेक्शन में वो क्या होंगे, सेम ओरिएंटेशन शो करेंगे, ठीक है। द अबव सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड इन 5' या 5" to 3" डायरेक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 to 5" डायरेक्शन, देन हम उसमें क्या करेंगे, सेम ही डायरेक्शन पे क्या है, हमको मिलेगा इसकी पोजीशन, ठीक है। कॉमनली मोस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA या डबल हेलिक्स एट डिफरेंट लोकेशन। जो मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो DNA के दोनों स्ट्रैंड को क्या करते हैं, कट करते हैं एंड डिफरेंट लोकेशन पे, ओके। डिफरेंट लोकेशन का कहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना था ना, जस्ट लाइक अभी तक हमने जितना भी कट्स देखा है वो किस फॉर्म में होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। मतलब एक लोकेशन यहाँ पे कट होगा, एक लोकेशन यहाँ पे कट होगा, ये क्यों, ये क्योंकि ये स्ट्रैंड है ना, ये क्या है, स्ट्रैंड है, ठीक है। ये स्टैंड है, इसमें देखो ये क्या करेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, एक पोजीशन पे, ओके। सच अ क्लीवेज इज जनरली टर्म्ड एज स्टगर्ड कट। क्लीवेज हो गई है, जो पर्टिकुलर कट होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टगर्ड कट, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिक्वेंस या पर्टिकुलर पोजिशन में क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, पैशन पे, है ना। मतलब एक अच्छे से उसको क्या करेगा, सेप देगा जहाँ पे उसको ऐड किया जा सके, ठीक है। Restriction enzymes cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindrome sides, but between the same two bases on the opposite strand, ठीक है। The palindromes में मैंने क्या बोला, जो same strand पर क्या करेंगे, cut करेंगे, and palindromes क्या है, जो group of base pairs हैं जिनको हम चाहे किसी भी तरीके से करें same direction पर कैप्ट करेंगे तो वो same होगा, ठीक है, okay। इसको देखते हैं, EcoRI रिकोनाइज 5' या 5" गॉनिन एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन 3 साइड एंड द साइड ऑफ द DNA एंड कट इट बिटवीन द G to A, ओके। इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये क्या है, सिक्वेंस है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने क्या लिया है, 6 base pair को लोकेशन, यहाँ पे मैं ऑलरेडी रेड है बट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या लिया, ये कहाँ पे फंक्शन करेंगे, 6 base pair पे, ठीक है ना, 6 and 6 base pair का मतलब की कॉपी रहेगा, ठीक। अब देखो ये कट कहाँ से होगा, ठीक, ये इतना पार्ट यहाँ से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है ना। देन इधर में क्या हो रहा है, ये जी वाला पार्ट, बिकॉज ये क्या, सेम है। देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हुई है यहाँ पे, साइटोसिन थायमिन थायमिन एडिनिन एडिनिन, देन नीचे भी साइटोसिन थायमिन थायमिन एडिनिन एडिनिन, है ना। अगर हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं तो इसका जो कनेक्शन है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने अगर इसको कट किया तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, बिकॉज इतना जो एरिया है ये किस में आ गया, इसमें आ गया ऐसे, ठीक है, इतना जो एरिया है ना, इसलिए आप क्या करोगे, इसको अगर यहाँ से अटैच करोगे तो सेम यही पोजिशन क्रिएट होगी,
दीज ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस आर कॉल्ड स्टिकी इंस और कोहेंस इंस, ठीक है, कोहेंसिव इंस, है ना, ठीक है। ये जो ओवरहैंगिंग जो स्टैंड जो फॉर्म हो रहे हैं, या स्टिकी इंस जो फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिकी इंस और कोहेंसिव इंस, ठीक है, ओके, इसको याद रखेंगे, स्टिकी इंस। These are named so because they formed hydrogen bond with their complementary cut counterparts. Okay, these are named so because they form hydrogen bonds. Okay, with their complementary cut counterparts. ठीक है, इसको नाम किसके बेस पे दिया गया, hydrogen bonds पे, है ना, sorry hydrogen bonds के basis पे, है ना, because ये क्या हो रहा है, counterparts को में cut हो रहा है, ठीक है, complementary cut counterparts, ठीक है। It's like this stickiness of the end facilitated the action of such enzymes DNA lipase, ठीक है, जो sticky ends थे या cohesive sites या cohesive ends थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, facility provide करवाते हैं ligase enzyme को दूसरे substitutes को add करने के लिए, ठीक है। Just like यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, इस fragment को cut किया, ठीक है, क्या किया, इस fragment को cut किया, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, add हुआ, ठीक है, ये क्या था, sticky ends था, ठीक है, ये भी क्या था, स्टिकी एंड्स या कोहेंसिव एंड्स, है ना, देन और ये क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स कट है ये किससे होंगे, इक्वल एज इक्वल इस बॉन्ड से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, आपस में फॉर्म्ड होंगे, ओके, ये समझ में आया। कैन यू कैलकुलेट थ्योरेटिकली हाउ फ्रिक्वेंट इज द इको आर आई रिकॉग्निशन सिक्वेंस इन डी एन ए, ओके, देखते हैं, देयर आर फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डी एन ए, है ना, फोर टाइप्स होते हैं, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ दीज अकर्स एट द प्लेस इज वन फोर्थ, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फोर टाइप के न्यूक्लियोटाइड है तो प्रोबेबिलिटी वन फोर्थ होगी, ठीक है, क्या होगी, वन फोर्थ होगी, assuming that the occurrence of bases in adjacent पोजिशन इज रैंडम टू प्रोबेबिलिटी दैट जी ए ए टी टी सी, यानी कि गॉनिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन अकर इन वन फोर्थ एंड सिक्स पे, ठीक है, और वंस इन अ स्टेज और 4096, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बिकॉज जो डी एन ए सिक्वेंस होगा उसमें तो न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा ही होंगे ना, देखो देखो प्रोबेबिलिटी जो होगी फोर टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन फोर्थ होगी, ठीक है। However, in reality, the location and frequency of a such sequence in a given genome is not random but species specific. ठीक है, ये जो location है इनकी जो frequency है या location है, ठीक है, ये क्या होती है, random नहीं होता, ठीक है, species specific होगा, ठीक है, that means different species में ये जो location या sequence, ओके, जो न्यूक्लियोटाइड्स की लोकेशन या न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड जीनोम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली यूज किया जाता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड जीनोम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हम यूज क्यों कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। सेकेंड थिंग, सोर्सेज क्या लेंगे, डीएनए लेंगे, ठीक है, डीएनए, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, हमको उसी को यूज करना है मेनली, ओके। एंड इनका जो सिक्वेंस होता है या सोर्स हो सकता है, जीनोम्स हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, ओके, जो हम उसको यूज करेंगे। When cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligase. Okay, बहुत सिंपल है। अगर आप क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करोगे DNA segments को कट करने के लिए, ठीक है, बहुत जस्ट लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक ही मैथड को सेकेंड टाइम पे भी अप्लाई करोगे, है ना, तो जो पहले मैथड में जैसा फंक्शन हुआ था सेकेंड टाइम में भी सेम मैथड की वजह से सेम फंक्शन होगा। जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं, बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेंगे, यूज करेंगे, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा या फ्रेगमेंट हमको जो मिलेगा, फ्रेगमेंट का मतलब कि कट पार्ट, है ना, फ्रेगमेंट का मतलब कि इसका जो कट पार्ट हमको जो मिलेगा, ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये, है ना, ऐसे ही मिल रहा था, ठीक है, एक मतलब एक फंक्शन में होगा जिससे वो इसमें स्टिकी एंड्स क्या हो मिले हमको, ठीक है।
ठीक है, इस टाइप का है ना, ये सेम दिख रहा है थोड़ा सा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, ओके है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम सेम सेम मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे तो जो डीएनए का जो हमको फ्रेगमेंट मिलेगा या जो इसके स्टिकी इंड्स मिलेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज जो उसका जो फंक्शन है या उसका जो तरीका वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। एंड ये जो है अगर यूज़ करेंगे लाइगेज एंजाइम का तो इंड टू इंड क्या होंगे, टुगेदर ज्वाइंट होंगे, ठीक है, बिकॉज उनका जो फ्रेगमेंट्स है वो क्या होंगे, सेम है, इसीलिए इन इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स और डीएनए लाइकेज फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, है ना। सिंपल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है उनको क्या करते हैं, कट करते हैं। देन इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंजाइम यूज कर रहा था, सॉरी फंक्शन कर रहा है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको फॉर्म करने का काम करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे देख चुके हैं कि काटना है तो रेस्ट्रिक्शन का एंजाइम यूज कर रहे हैं और अगर जोड़ना है तो लाइगेज का एंजाइम कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, ये जो क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना, है ना, ये क्या कर रहे होंगे, जो लाइगेज एंजाइम है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका फंक्शन ही है कट करना, ओके ओके दैट। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, देख लेते हैं उसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव की टूल्स लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज वेक्टर एंड द होस्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है, ऑल द अबव। सेकेंड, इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम्स फ्रॉम स्पीसीज, स्ट्रेन्स, फैमिली, जीनस। एक्सोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रॉम एंड्स, मिडिल ऑफ द डीएनए, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, सेंटर ऑफ द डीएनए, ऑल द अबव। क्या होता है, एंड्स ऑफ डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा, ठीक है, कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम कर रहे थे और किस तरीके का उनका फंक्शन था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर की, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ना। सबसे पहले तो ठीक देखो, क्लोन का मतलब क्या होता है, सिंपल है ना, क्लोन का मतलब होता है क्या, कॉपी, ठीक है, क्लोन का मतलब किससे समझना है, कॉपी से, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि क्लोनिंग वेक्टर, तो वेक्टर मतलब क्या होंगे, जो कैरियर होंगे, कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, कॉपी करने वाले एजेंट्स को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड वैक्टर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कैरियर का क्या करेंगे, सॉरी मतलब जो फॉरेन डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया, कट किया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करना है एक होस्ट सेल पे, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल पे हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एजेंट या एक कैरियर का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्टर, है ना, दे डीएनए। और वैक्टर क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए, जैसे प्लाज्मिक डीएनए जो हम पहले देखे हैं, ठीक, ये देखो यहाँ पे है ना, एम्पलसिन, एंड ये देखो टेट्रासाइकिल रेजिस्टेंस, ईवीएम, हमको पता है ये क्या, ये सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ठीक है, एंड ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक तरीके का क्या है, ये वेक्टर है, जो क्या करता है, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट या फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, एक होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। वैक्टर्स यूज फॉर मल्टीप्लाइंग द फॉरेन डीएनए सिक्वेंस आर कॉल्ड क्लोनिंग वैक्टर्स, वैक्टर एंड क्लोनिंग वैक्टर, क्लियर है, ओके क्या बोल रहे हैं, वैक्टर्स यूज फॉर मल्टीप्लाइंग द फॉरेन डीएनए सीक्वेंस आर कॉल्ड क्लोनिंग वैक्टर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, वैक्टर, एंड ये क्या है, क्लोनिंग वैक्टर, ऐसे फॉरेन डीएनए, जो ऐसे वैक्टर्स जिनको हम क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए में मल्टीप्लाइंग के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग वैक्टर्स। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो क्या है, जीन क्लोनिंग विद डिफरेंट वैक्टर्स, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस को अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये होस्ट सेल है, ठीक है, क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब देखो बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर जैसा, वेक्टर का मतलब कि जिसमें हम एक फॉरेन डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को उसकी हेल्प की, मतलब उससे हेल्प से क्या करेंगे,
ऐड करके ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए, मैंने पहले भी बोला कि हम प्लाज्मिड डीएनए का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर, है ना। प्लाज्मिड डीएनए मेनली क्या करते हैं, है ना, मेनली इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक अदर से क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना, फॉरेन डीएनए को ऐड करके, ठीक है। जस्ट लाइक हमने पहले भी देखा है कि प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए में हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, इस सेगमेंट को काट के किसी दूसरे सेगमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था, ये अलग हो जाएगा, देन ये एक अलग सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, ठीक है। जिससे क्या बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, है ना, क्या बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, या प्लाज्मिड डीएनए बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, ठीक है। देन अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट सेल। अब देखो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र होगा, देन इसके साथ में इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में इसका न्यू वेरियंट्स या न्यू ट्रेड्स को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ओके। सिमिलरली इसमें भी, वायरस में भी सेम तरीके से होगा। कॉमनली यूज क्लोनिंग वैक्टर्स आर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के जो क्लोनिंग वैक्टर्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, कॉस साइड फेज इम्प्रूव क्या है, इनकॉपरेटेड इन टू अ प्लाज्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्सेट्रा, ठीक है। क्लोनिंग वैक्टर का यूज़ हम किस में, मतलब कॉमनली किस किस क्लोनिंग वैक्टर का यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड, ओके। ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरियोफेज है, आपको पता है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है और ये क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड जिसका हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स के फॉर्म में, और ये बैक्टीरियोफेज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देन ये क्या है, कॉस्मिड, ठीक है, ये हमको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बेसिस पे इसके नाम है, ठीक है, कॉस्मिड। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वैक्टर आर लीनियर वैक्टर कंस्ट्रक्टेड बाई एडिंग सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट टू डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वैक्टर है, ठीक है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को ऐड करने पे। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया स्पीसीज, ठीक है। जो प्लाज्मिड जो वैक्टर्स होते हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जो मेनली ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरियल स्पीसीज में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। मतलब बैक्टीरिया की जितनी भी स्पीसीज होंगी उसमें जो प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए या प्लाज्मिड है ना, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। जितनी भी बैक्टीरिया की स्पीसीज आप लोगों ने अभी तक जितना भी देखा होगा, हम होस्ट सेल में किसका यूज़ कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का इसलिए बिकॉज उसमें जो प्लाज्मिड है ना, ऑटोमेटिक क्या है, ऑलरेडी इंसर्टेड है या प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं उसमें ये प्लाज्मिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। एंड प्लाज्मिड आर इनहेरिटेबल एंड कैरी फ्यू जीन्स विच डिटरमाइन अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं एंड कुछ जीन्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, कुछ जीन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, है ना। द एडवांटेज ऑफ प्लाज्मिड इज दैट इट इज वेरी इजी टू आइसोलेट एंड री इंट्रोड्यूस इन टू द बैक्टीरियम, यानी कि होस्ट, है ना। प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मिड जो वैक्टर जो ऑलरेडी बैक्टीरियल होस्ट में या बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है या लाभ ये होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ईजिली आइसोलेट किया जा सकता है एंड रीइंट्रोड्यूस करवा सकता है होस्ट सेल पे, ठीक है। रीइंट्रोड्यूस से मतलब है कि जैसे हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, रीइंट्रोड्यूस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या होस्ट सेल पे, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ठीक, जो प्लाज्मिड सेल्स होते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम उनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, रीइंट्रोड्यूस इजी बेस पे करवा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अपार्ट फ्रॉम नेचुरल वैक्टर्स आर्टिफिशियली रिस्ट्रक्टर्ड प्लाज्मिड लाइक PBR322 आफ्टर वल्बर एंड रोड, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल वैक्टर्स आर्टिफिशियली रिस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड लाइक PBR322 आफ्टर बोलिवर एंड रोड्रिगेज PUC 19101 आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आर पॉपुलरली यूज्ड, ठीक है। देखो जो नेचुरल वैक्टर्स है, ठीक है, वैक्टर्स का नाम याद रखेंगे,
है ना, वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट फिर भी नॉर्मली एक चीज़ को याद रखेंगे, है ना, आफ्टर बोलीवर एंड रॉड्रिगेज जो साइंटिस्ट थे उनके बाद में, जो ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, थोड़ा सा जो इनका यूज़ है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हो पॉपुलर, दैट मीन्स हम इसका क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ में लाएंगे, सिंपल है ना। ये देखो ये दोनों जो है प्लाज्मिड है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव अ एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो कि क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर वेक्टर्स, ठीक है, ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, वी है, देन इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की, ठीक है, कि जो प्लाज्मिड होते हैं वह एज अ, जैसे डीएनए जो होता है, डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो जो प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है ना, ठीक, वो भी क्या कर रहे हैं, इनके में भी क्या है, कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट की विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, मतलब नॉर्मल इनमें क्या होगा, रेप्लिकेशन की एबिलिटी होगी, ठीक है, जैसे ये बैक्टीरियल डीएनए है एंड प्लाज्मिड है, ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है कि जो प्लाज्मिड है वो कॉमनली है बैक्टीरियल स्पीसीज में, ठीक है, मतलब सब में मिलेगा, है ना, बैक्टीरिया की जितनी भी स्पीसीज है मोस्टली उन सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सिंपल, ठीक है, देन जैसा कि ये बैक्टीरियल डीएनए है ना, डीएनए की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की, ठीक है, किसके, रेप्लिकेशन की, मतलब ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, इसी तरीके से ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है ना, जो प्लाज्मिड है इसमें भी क्या होगी, एबिलिटी होगी रेप्लिकेट होने की, ठीक है, मतलब ये भी क्या हो सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकते हैं और अपनी फॉर्म को क्या करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं, है ना, ओके, ये क्या है, एबिलिटी है रेप्लिकेट होने की, मतलब अपनी कॉपी को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, देन देखो यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, ट्रांसफर इक्लॉई सेल सर्वाइव इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, है ना, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो सिंपल एक प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, जो प्रेजेंट है, अब ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा मतलब क्या करेगा, कॉपी, ठीक है, रेप्लिकेट होना मतलब अपनी कॉपी को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ये वन था, यहाँ से ये क्या हुए, रेप्लिकेट हुए, अगेन यहाँ पे देखो जो सेल्स मल्टीप्लिकेशन होंगे, सेल मल्टीप्लिकेशन होंगे तो इनमें भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा इक्वली, ठीक है, क्या होंगे, डिविजनल होगा डेन एंड ये क्या होंगे, इक्वली क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मिड सेल्स दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब दोनों में क्या मिलेगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे क्या होगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा, ठीक है, जस्ट लाइक हेड जैसा होता है, पॉड उसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक अच्छा सा एग्जांपल, मतलब कि अच्छा सा स्ट्रक्चर हमने उसका देखा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल है ना, हैव वेरी हाई कॉपी मेंबर ऑफ, सॉरी, हाई कॉपी मेंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, है ना, उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, ये अपनी, मतलब कि जीनोम्स के क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स के क्या करेंगे, विद इन कॉपी होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो स्टेप क्या, वन वायरस पार्टिकल्स एंड वायरस डीएनए, ठीक है, ये अगर इंसर्ट हो रहा है दैट मीन ये सिंगुलरली इंसर्ट हुआ एंड अपनी कॉपी को क्या करेगा, फॉर्म कर रहा है, ठीक है, देन हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज़ क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, इसके साथ में अपने नंबर ऑफ कॉपी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, देन रिलीज होता है तो फिर से अगेन क्या होगा, ये दूसरे सेल्स पे एंटर करेंगे, ठीक है, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल, वेयर इज अदर मे बी हैव 15 to 100 कॉपीज ऑफ पर सेल, ठीक है, कुछ प्लाज्मिड जो होंगे वो सिंपल हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एक से दो कॉपी में भी हो सकते हैं, बट कुछ, है ना, बट क्या हो सकते हैं, कुछ जो है, कुछ अदर टाइप्स के जो सेल्स हैं या प्लाज्मिड हैं ना, उनकी जो कॉपी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, 15 to 100। If we are able to think an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, it can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage. बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है, हम क्या बोल रहे हैं, if we are able to link the alien piece of DNA with the bacteriophage, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक alien piece of DNA मतलब कि foreign DNA को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं बैक्टीरियोफेज के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं बैक्टीरियोफेज के साथ, देन अगर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना, है ना, मल्टीप्लाई करेगा तो वे क्या करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है ना,
इट कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जितने ज़्यादा उसमें मल्टीप्लीकेशन होंगे दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, एक जैसा। ठीक है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मिड डीएनए था, इसको ट्रांसफॉर्म किए होस्ट ऑर्गेनिज्म में, एम्प्लीफिकेशन जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे इसके, इक्वली क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, वैक्टर्स यूज एट प्रेजेंट आर इंसर्ट, है ना, वैक्टर्स यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियरिड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, जो वैक्टर्स होते हैं, है ना, उनका हम यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। द फ्लोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, है ना, कुछ यहाँ पे दिया गया है जो क्या करता है, है ना, रिक्वायर्ड होती है ना क्लोन, वेक्टर क्लोनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड फैसिलेट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या है, एक क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, क्या है, सीक्वेंस जहाँ से रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, इनिशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन याद रखेंगे, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, एनी पीस ऑफ डीएनए विद व्हेन लिंक दिस सीक्वेंस कैन बी मेड रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ये क्या है, एक रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस के साथ में अगर क्या हो रहा है, रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस के साथ में क्या हो रहा है, रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, और उसके साथ में मान चलो कि क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, एक प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ इसके साथ में, ठीक, बट इसके साथ में एक छोटा सा क्या है, डीएनए या फॉरेन डीएनए या पीस ऑफ डीएनए क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, क्या है, लिंक्ड है। अब अगर ये पार्ट क्या होगा, रेप्लीकेट होगा, तो इसके साथ में लिंक पार्ट ये भी क्या होगा, रेप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये सीक्वेंस क्या होगा, रेप्लीकेट होगा विद इन द होस्ट सेल, तो ये दोनों एक साथ क्या होंगे, रेप्लीकेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखो एक ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन साइट है। ठीक है, क्या है, ओरिजिन साइट एंड डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हुआ मतलब रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा है ना, ये जो ऐसा, अगर रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा इक्वल है, सिंपल, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना, रेप्लीकेशन फॉर्क बना, मतलब ये क्या हुए, एक दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एंड ओरिजिन साइड से देखो क्या हुआ, डॉटर स्ट्रैंड एंड पैरेंटल स्ट्रैंड में डिवाइड हुआ है। रेप्लीकेशन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, है ना, ये दोनों तरफ हो सकता है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक, ऐसे डिवीजन हुआ, देन टर्मिनेशन ऑफ रेप्लीकेशन, जब ये दोनों क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, तो यहाँ से दो सेल्स बन जाएंगे, वन देन टू। ओके, ओरिजिन एंड रेप्लीकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, है ना, जो लिंक डीएनए है उसके रेप्लीकेशन का भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ये लिंक डीएनए तभी कॉपी हो रहा है जब इस वाले कॉपी, मतलब इस वाले प्लाज्मिड डीएनए में या पहले वाले प्लाज्मिड डीएनए में क्या होगा, रेप्लीकेशन साइट फॉर्म होगी। ठीक है, अगर रेप्लीकेशन साइट जो है फॉर्म ही नहीं होगी, तो जो लिंक डीएनए है उसमें भी रेप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक, कि क्या होता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, सिंपल, है ना, कि देखो जो कॉपी, जो लिंक डीएनए है, है ना, उसमें रेप्लीकेशन तभी होगा। ठीक, रेप्लीकेशन तभी होगा जब उससे पहले रिलेटेड, जो जिससे लिंक डीएनए कंबाइंड है, उस होस्ट सेल वाले में क्या होगा, रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा तभी, है ना। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ये हमने क्या बोला, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट, ये डॉटर एंड पैरेंटल। रेप्लीकेशन साइट पे क्या होंगे, रेप्लीकेशन फॉर्क बनेंगे, है ना, स्टैंड क्या होंगे, दोनों अलग होना स्टार्ट होंगे, देन पूरा रेप्लीकेट होने के बाद टू टर्मिनेट हो जाएगा ये। If one wants to recover many copies of many target DNA, it should be cloned in a vector host, है ना, vector whose ori support, मतलब origin ना, ORI मतलब origin of replication fork, support high copy numbers. First, second है selectable marbles, sorry,
सेकेंड है सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, बुक में भी आप इसको देख सकते हो, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, है ना। सेकेंड क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक। मार्कर्स का मतलब क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, इंडिकेट करने का काम करते हैं, किसी न किसी चीज़ को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू ओरी मतलब कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट, ठीक है, मैं अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं ORI, ठीक है ना। तो इन एडिशन ऑफ ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर्स, है ना, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे वैक्टर्स रिक्वायर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि सेलेक्टेबल मार्कर्स रिक्वायर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है, जो किसकी हेल्प करेंगे, वैक्टर्स की हेल्प करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, कि नॉन ट्रांसफर्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, सही बात, ओके। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ये क्या है, प्लाज्मिड मैप, मतलब एक प्लाज्मिड DNA को शो किया गया है, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, प्रोमोटर साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, दैट बिकॉज यहाँ से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन फोर्क एंड एंटी क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ना, ये प्रेजेंट होगा, देन सेलेक्टेबल मार्कर इसको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ओके। ट्रांसफॉर्मेंट्स इज अ प्रोड्यूसर थ्रो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रो विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम पहले भी देखे हैं कि ये क्या था, बैक्टीरियम था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, देन ये होस्ट, ये प्लाज्मिड सेल, ठीक है, अब इसको इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है ये प्रोसेस, क्या होगा जब हम प्लाज्मिड को क्या करेंगे, बैक्टीरियम होस्ट में क्या करेंगे, है ना, ट्रांसफर करेंगे या इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉरेन DNA या DNA पीस को क्या करने का, बैक्टीरिया होस्ट या बैक्टीरियम होस्ट से इंट्रोड्यूस कराने का एक प्रोसेस है, ठीक है, याद रखेंगे। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और है ना कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर स्टीरिया कोलाई, ठीक है ना, सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर स्टीरिया कोलाई। अगर इसका किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट है तो हम इसको इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, है ना, ये सारे पता है ना क्या है हमारे पास, है ना, स्टीरिया कोलाई, ये हो गया हिंट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये इसका सेकेंड एंड फर्स्ट हमने पहले भी देखा है, ठीक है। द नॉर्मली स्टीरिया कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, जो स्टीरिया कोलाई जो होता है, ठीक है, मोस्टली जो स्टीरिया कोलाई जो होता है, इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस ही कैरी नहीं करता, मतलब रेजिस्टेंस ही कैरी करने का नहीं मतलब है कि कोई भी अगर इसका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, ईजिली उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ईजिली क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ईजिली डिटेक्ट होने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक। थर्ड क्या है, क्लोनिंग साइट, ठीक है, क्लोनिंग साइट, अब क्लोनिंग का पहले हमने देखा मतलब कि कॉपी, अब क्लोनिंग साइट का मतलब ऐसा साइट जहाँ से कॉपी स्टार्ट होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वैक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू परफेक्ट, क्या है, प्रिफरेबली ना, प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन DNA, एलियन DNA द वैक्टर नीड अ वेरी वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, है ना, क्या करेगा, एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट क्या करेगा, प्रीफर कर रहा है फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिससे पहले भी हमने देखा है, ठीक है, जो क्लोनिंग साइट क्या है, क्लोनिंग साइट जिससे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन साइट में देखा था,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में देखा था कि क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साइट से क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कट करते हैं। इसी तरीके से क्लोनिंग साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। क्लोनिंग साइट में हम क्या बोल रहे हैं, जो वैक्टर्स होता है, ठीक है, वैक्टर्स जो होता है उसको क्या जरूरत होती है, रिकॉग्निशन साइट्स की स्टार्ट जरूरत होती है जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेगा, ठीक। दिस द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑफ द सेम एंजाइम विद इन द वैक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कम्प्लीकेट द जीन क्लोनिंग, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर द सेम एंजाइम, ठीक है, एक ही एंजाइम के लिए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, एक ही एंजाइम के लिए, सेम एंजाइम है उसके लिए वन से ज़्यादा क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, वन से ज़्यादा क्या है, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है ना, क्या है, वन से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है, ठीक, रिकॉग्निशन साइट फॉर द सेम एंजाइम विद द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए, एक जीन, मतलब एक जीन, एक एंजाइम क्या करेगा, एक सेक्टर को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, एक रिकॉग्निशन साइट क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। इन मोर देन रिकॉग्निशन साइट, जब हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे तो ज़्यादा एंजाइम्स क्या होंगे, अपना फंक्शन करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे, मतलब कि बहुत सिंपल है, ये क्या है, ये DNA, ठीक है, इसका एक यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट था, इसको यहाँ से कट करना था, ठीक, यहाँ से क्या करना था, कट करना था। अब रिकॉग्निशन साइट इससे ज़्यादा एक यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो एंजाइम्स हैं इस वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, इसको क्लोनिंग करना था, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इसके साथ में, जब ये रेस्ट्रिक्शन, जब ये क्या होंगे, जब प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपी क्या होंगे, यहाँ से कट हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट करता है, ठीक है। हमने क्या बोला, एक से ज़्यादा क्या होंगे, रिकॉग्निशन साइट होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो जो एंजाइम्स है वो फंक्शन भी ज़्यादा कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे एक कटने किया, यहाँ से तीन सेगमेंट बन गए। अब तीन सेगमेंट हुए तो इनको भी तो क्या चाहिए, स्पेस चाहिए ना कहीं बाइंड होने के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं क्लोनिंग में। फोर्थ है मॉलिकुलर वेट, है ना, मॉलिकुलर वेट, है ना, द क्लोनिंग वैक्टर शुड हैव लो मॉलिकुलर वेट, है ना, द क्लोनिंग वैक्टर जो है, जो क्लोनिंग वैक्टर जो होते हैं उनका जो वेट मे भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्यों, इसको देख लेते हैं, है ना, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लो वेट रहेगा तो ज़्यादा ईजी है कैरी करने के लिए, है ना। वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स, देख लेते हैं इसको, जो क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स में वैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। बैक्टीरिया एंड वायरस ट्रांसफर जीन इन टू प्लाज्म एंड एनिमल्स एंड देयर बाई ट्रांसफॉर्म यूक्रियोट सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट दे, बैक्टीरिया एंड व्हाट वायरस व्हाट, ठीक है। जो बैक्टीरिया एंड वायरस जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जीन को ट्रांस, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, है ना, बैक्टीरिया एंड वायरस जो होते हैं मेनली, जो ट्रांसफर जीन टू प्लांट एंड एनिमल्स, जो इसका यूज़ करते हैं हम, बैक्टीरिया एंड वायरस का यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट दे वांट, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ उनकी जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम किसका यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस, जो वैक्टर यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया एंड वायरस। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, है ना, फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA, है ना, नोन एज tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इन टू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये हमने पहले भी नाम देखा है, है ना, ये क्या है, एक पैथोजन है जो मेनली डाइकॉट प्लांट्स में मेनली जो प्रेजेंट होता है, एबल होता है इस DNA को क्या करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है, tDNA का ट्रांसफॉर्म, टी का मतलब ट्रांसफर भी होता है, ट्रांसफर DNA, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट्स, है ना, सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस अ केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक ट्यूमर फॉर्म करेंगे, ठीक है, एंड पैथोजन को जिस तरीके का जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होगी उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सिंपल।
जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिशियंस, ये प्लांट सेल है ठीक है। प्लांट सेल का क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है देखो यहाँ पे, ये क्या है होस्ट या बैक्टर। अभी देखो ये, अब ये हमारे लिए होस्ट नहीं है ठीक है, ये हमारे लिए अब क्या है होस्ट नहीं है, क्या होगा पैथोजन होगा। ये क्या है हमारे लिए अब क्या है पैथोजन है ठीक है, क्या है पैथोजन है ठीक है। इसको हम यहाँ देखो यहाँ पे सिंपल है, ये जीन्स ये जो भी चीज़ें इसके प्रेजेंट है ठीक है, टी कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा इसके न्यूक्लियस में क्या करेगा ऐड करेगा ठीक है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड ओपियंस, इसको क्या करेगा सिक्रीट करने के लिए इंक्रीज करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके केमिकल्स को उसके सिक्रीशन को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा काम करेगा ठीक है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास पैथोजन ठीक है, टी प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड इंसर्टेड डीएनए क्रोमोसोम, ये क्या है इस सेल्स के लिए ठीक है, इस सेल्स के लिए। देन इसको क्या करेंगे हम प्लांट सेल्स में क्या करेंगे बेटा इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट मतलब ट्रांसफर ना, ये क्या करेंगे एक प्लांट सेल में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे ठीक है। नाम देख सकते हो ये क्या है टी प्लाज्मिड है, अगर इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करवा रहे हैं तो ये क्या होंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बनेंगे ठीक है, बिकॉज इसका इंसर्शन इसमें होगा। देन कल्चर से करेंगे तो ये न्यू प्लांटलेट बनेंगे, देन ये जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे ट्रांसजेनिक होंगे ठीक है, बिकॉज इसके जो जीन्स हैं उसमें क्या हुए ट्रांसफर हुए ड्यू टू थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। क्या करेंगे हम थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे उसमें। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स ठीक है। इसी तरीके से जो रेट्रोवायरस जो होता है ठीक है, जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है ठीक है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स ठीक है। मतलब एक कैंसर, इससे पहले भी हमने देखा है कैंसर क्या होता है, नॉर्मल सेल्स किसको बोलेंगे ठीक है, तो उनमें क्या होती है एबिलिटी होती है रेट्रोवायरस के इसमें जो प्रेजेंट होंगे ठीक है वो क्या होंगे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, कोई एक डिजीज थी सिंपल नॉर्मल सेल्स में वो डेंजरस हो सकती है हमारे लिए ठीक। द ट्यूमर इंक्लूडिंग टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिशियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर सच दैट इज मोर पैथोजेनिक टू प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स है ना। ये जो ट्यूमर है ना टी प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिशियंस जो है अब मेनली जो है मॉडिफाइड हो चुका है ठीक है, मॉडिफाइड हो चुका है किसमें क्लोनिंग वेक्टर में, सच दैट इट इज नो मोर पैथोजेनिक है ना ठीक है। अब ये पैथोजन के लिए सॉरी प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा सिंपल है, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन एंड इंसर्टेड ब्लाइटिस प्लांट ठीक है। बट इसका हम यूज करते हैं है ना, क्यों, क्योंकि इससे हमको क्या मिल रहा है न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स या न्यू वैरायटी ऑफ फॉर्म्स क्या होंगी क्रिएट होंगी है ना, न्यू प्लांटलेट जो फॉर्म हो रहे थे वो क्या होंगे वेरिएंट होंगे। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इन टू एनिमल सेल्स। ओके इसी तरीके से अब जो रेट्रोवायरस जो था है ना उसका यूज किस में कर रहे हैं, कुछ जो डिजायरेबल जीन्स होंगे उनके डिलीवर कर रहे हैं, उसका काम कर रहा है ठीक है। मतलब ये सब क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं ठीक। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ठीक है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ये क्या होंगे हाइड्रोफिलिक है ना, मतलब जल मतलब अट्रैक्ट विद वाटर ठीक है, ये क्या होंगे वाटर से क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे ठीक है, मतलब रिएक्शन करने के लिए ठीक, बिकॉज ये क्या हाइड्रोफिलिक है ठीक है। तो ये इसलिए क्या कर सकते हैं जो मेम्ब्रेन है ना, जो मेम्ब्रेन है उससे क्या होते हैं पास आउट नहीं होंगे। देन इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए है ना। ये क्या कर रहे हैं कॉम्पिटेंट टेक कर रहे हैं ठीक है, ये क्या है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए यानी डबल स्टैंड इसके हमने लिया और ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया हमने है ना। पोटोसाइट यहाँ पे क्या होंगे ऐड होंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट रहेंगे, डीएनए एंट्री इनिशिएटेड ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से हमने क्या करेंगे जो ट्रांसफॉर्म है यानी ट्रांसफॉर्म डीएनए है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए इसको क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे इनिशिएट करेंगे ठीक है। दिस इज डन बाई ट्रीटिंग दैम विद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन सॉरी दिस इज डन बाई ट्रीटिंग दैम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
divalent cation and such as calcium, which increase the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. ठीक है, बिकॉज देखो उससे पहले हमने क्या बोला कि DNA क्या था, हाइड्रोफिलिक था, जिसकी वजह से वो मेम्बर से क्या, मेम्ब्रेन से क्या हो रहा था, पास नहीं हो रहा था. बट अगर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना, एंड DNA क्या होंगे, एंटर्स हो जाएंगे सेल वॉल के पोर्स से, यानी जो स्पेस होंगे, जो माइक्रो स्पेस होंगे उसमें, उसके थ्रू क्या होंगे, पास होंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं उसको कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वैक्टर्स. ठीक है, बताएंगे ऑल ऑफ द अबव, प्लाज्मिड कॉस्मिड कट कर लेंगे इसको, मैं फिर से कर रहा हूँ. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वैक्टर है ना, क्या है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, ऑल ऑफ द अबव. क्या होता है, कॉस्मिड. ओके, सेकेंड, इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड टू द बैक्टीरियल सेल इज मस्ट बी मेड, क्या होता है, कॉम्पिटेंट. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वैक्टर विच एलिमिनेट्स ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है ना, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, क्लोनिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर्स, मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स. ओके, देन ओके, देन इसी के साथ में यहाँ पे ये लेक्चर होता है ख़त्म, है ना. होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से. ठीक है, बहुत ही इजी वे में है. डिफरेंट जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड क्लोनिंग वैक्टर्स यहाँ पे देखे हैं, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, है ना बहुत सिंपल है. जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं मे बी आपको समझ में आया होगा. ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है ना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.